तो गाइस आज करने वाले हैं हम दो काफी पॉपुलर पेन का कंपैरिजन। एग्जाम टाइम है तो आपके लिए बताता हूँ कौन सा मस्ट होगा। फर्स्ट आता है एक्सो बॉल हाउजर ब्रांड की तरफ से, सेकंड आता है पेंटोनिक बॉल लिंक ब्रांड की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। पेंटोनिक बॉल में हमें जहाँ स्लिक मैट फिनिश ब्लैक कलर की बॉडी मिलती है जिससे हमें ग्रिप काफ़ी अच्छी होल्ड हो जाती है, वहीं एक्सो बॉल में हमें स्काई ब्लू मैट फिनिश बॉडी मिलती है जिसमें हमें गैप ग्रिप स्ट्रक्चर मिलता है जो पेन को स्लिप नहीं होने देता है बिल्कुल भी। यही सेम चीज़ हमें पेंटोनिक में नहीं मिलती है, तो पेंटोनिक हमें काफ़ी ज़्यादा टाइट होल्ड करना होता है। वहीं जहाँ दोनों ही पेन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती और फास्ट राइटिंग मिल जाती है। चलिए दोनों ही पेन की जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, दोनों ही पेन में हमें प्लास्टिक की क्लिप देखने के लिए मिल जाती है, सेम ही होती हैं। दोनों ही पेन की टिप में काफ़ी फर्क है। पेंटोनिक हमें 0.7 mm की टिप में मिलता है, वहीं एक्सो बॉल हमें 0.6 mm की टिप में देखने के लिए मिलता है। राइटिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पेंटोनिक में जहाँ 0.7 mm की टिप से थिक एंड स्मूथ राइटिंग मिलती है, वहीं एक्सो में हमें 0.6 mm की टिप से थिन एंड फास्ट राइटिंग मिल जाती है। दोनों ही पेन की जो इंक टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पेंटोनिक में हमें अल्ट्रा लो विस्कोटी इंक टेक्नोलॉजी मिलती है, वहीं एक्सो बॉल में हमें लो विस्कोटी इंक विद एक्वो फ्लो राइटिंग सिस्टम के साथ दिखने के लिए मिलती है, क्योंकि थिन है तो फास्ट राइटिंग के लिए मस्ट है। दोनों ही पेन स्मज फ्री हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है तो स्मज फ्री है। पेंटोनिक में फास्ट राइटिंग प्रोवाइड कराता है, वहीं एक्सो बॉल हमें ब्रेक फ्री और वेरी स्मूथ राइटिंग प्रोवाइड कराता है। वाटरप्रूफ टेस्ट कर लेते हैं। दोनों ही पेन की विस्कोटी इंक है तो 100% वाटरप्रूफ एंड क्विक ड्राइंग देखने के लिए मिल जाती है। जहाँ दोनों ही पेन के MRP की बात करें तो दोनों ही पेन हमें 10 rupees में मिल जाते हैं। 10 rupees काफ़ी बेयर फ्रेंडली MRP होती है। दोनों ही पेन हमें परफेक्टली सूटेबल हैं फॉर एग्ज़ाम, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।